हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट्स. दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन. इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर द मेथड ऑफ डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंट लोड्स विच ऑकर्ड ऑन स्टील स्ट्रक्चर एंड codal provisions regarding calculations of load. So let's start the lecture. जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन बोर्ड पे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मेथड ऑफ डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कवर करेंगे मेथड ऑफ डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स एंड कैलकुलेशन ऑफ लोड्स ऑन स्टील स्ट्रक्चर. लोड्स कौन कौन से आते हैं स्टील स्ट्रक्चर्स पे और उसके डिफरेंट कोडल प्रोविजंस क्या है और कहाँ से वो लोड्स आ रहे हैं और डिफरेंट जो कोडल प्रोविजन है क्या रिकमेंड करते हैं उस कोड्स के वैल्यूज़ को. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को. सो स्टूडेंट, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स. सो जनरली हम जो मेथड्स होता है हमारे डिज़ाइन करने का, दो मेथड्स होता है, एक लिमिट स्टेट मेथड होता है और वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है. दूसरा, पहला लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन, दूसरा होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन. ये जो डिज़ाइन मेथड है हम दोनों के लिए करते हैं. जैसे यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर, इसके जस्ट बाद आपको पढ़ना पड़ेगा फाइनल ईयर में कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स, डिज़ाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर. तो वहाँ पे हम दोनों मेथड को यूटिलाइज करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं, लेकिन जो मोस्टली कॉमन, जो मोस्टली यूज मेथड है वो लिमिट स्टेट मेथड है. ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लिमिट स्टेट मेथड. ओके, सो इसके अंदर में कुछ डिज़ाइन क्राइटेरिया है. सबसे पहले हम बात करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की, ठीक है, या लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ की. इसमें जो हम कंसिडर करते हैं, इट इंक्लूड्स लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम एज ए होल और इन पार्ट. मतलब जो भी इक्विलिब्रियम का लॉस होता है वो पूरे स्ट्रक्चर के पार्ट में होता है या फिर होल में होता है. ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें कंसिडर की जाती हैं, अगर पूछा जाता है कि लॉस ऑफ जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, इसमें क्या क्या चीज़ें कंसिडर की जाती हैं, तो सबसे पहला है लॉस ऑफ स्टेबिलिटी, फ्रैक्चर ड्यू टू फटीग, ब्रिटल फेल्योर एंड रप्चर्स. ये सारी चीज़ें जो है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में कंसिडर की जाती हैं. अगर हम बात करें लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की, तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में जो आपका कंसिडर किया जाता है, डिफ्लेक्शन है, वाइब्रेशन है, ड्यूरेबिलिटी है, फायर रेजिस्टेंस है. मीन्स लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में जो चेक परफॉर्म किया जाता है वो डिफ्लेक्शन के लिए होता है, वाइब्रेशन के लिए होता है, ड्यूरेबिलिटी के लिए होता है और फायर रेजिस्टेंस के लिए होता है. ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ गया आया. मेनली आपको समझना है लिमिट स्टेट मेथड्स. हम लोग जो भी स्ट्रक्चर का डिज़ाइन कर रहे हैं वो लिमिट स्टेट मेथड से कर रहे हैं और इसमें दो टाइप्स के चेक परफॉर्म किए जाते हैं, पहला लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए, दूसरा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए. ओके, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि लिमिटेड स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आपको याद रखना है डिफ्लेक्शन है, ठीक है, वाइब्रेशन है, ड्यूरेबिलिटी है एंड फायर रेजिस्टेंस है. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोडल प्रोविजन है, इसलिए आपको याद रखना है. अगर पूछा जाता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आपको याद रखना है लॉस ऑफ स्टेबिलिटी, फ्रैक्चर ड्यू टू फटीग, ब्रिटल फेल्योर एंड रप्चर. दैट ऑल्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लिमिट स्टेट्स मेथड. ओके, सो आई थिंक लिमिट स्टेट मेथड में आपको समझ में आ गया हो कि लिमिट स्टेट मेथड में हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या चेक परफॉर्म करते हैं और लिमिट स्टेट मेथड में क्या क्या चीज़ें होती हैं. ओके, अब हम देख लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जैसे कि हम कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो उस स्ट्रक्चर का फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है. क्योंकि मान लो कि अभी हम स्ट्रक्चर का डिज़ाइन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रक्चर उतना ही लोड आगे फ्यूचर में भी लेगा. सपोज दैट कोई ब्रिज का डिज़ाइन हो रहा है या कोई बिल्डिंग्स है, तो ऐसा नहीं है कि आज वहाँ पर मान लो कि बिल्डिंग्स में 10 लोग रह रहे हैं. क्योंकि जनरली स्टील स्ट्रक्चर जो भी होते हैं, जितने सारे हैं, वो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में होते हैं या फिर वेयर हाउसेज यानी गोदाम्स में होते हैं या और जगहों में. तो हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि मान लो कि आज वहाँ पे उस कंपनी में या जो भी इंडस्ट्री बना हुआ वहाँ पे 20 लोग काम कर रहे हैं, सपोज दैट, या 200 लोग काम करते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आज से 5 साल के बाद भी वहाँ पे 200 लोग ही रहेंगे. हो सकता है कि यहाँ पे जो कंपनी है उसका मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए वर्कर्स को बढ़ाना पड़े. हो सकता है यहाँ पे 300 लोग भी आ सकते हैं, 350 लोग भी आ सकते हैं, है ना. या जो भी ब्रिज बन रहा है तो ब्रिज मान लो कि यहाँ पे 1000 टन लोड आ रहा है पर डे, है ना, हो सकता है ऐसा. लेकिन मान लो कि ब्रिज का जब कैपेसिटी, ट्रैफिक कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे, वहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा वहाँ पे, यहाँ पे लोड भी बढ़ जाएगा. इसका कहने का मतलब यही है कि आप फ्यूचर को लेकर के भी उस चीज़ का डिज़ाइन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी. मान लो कि अभी डिज़ाइन हम कर रहे हैं, हमारा कैपेसिटी है 100 टन का, ठीक है, लेकिन हम डिज़ाइन करेंगे उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के, मान लो कि 1.5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी क्या हो जाएगा 150, यानी कि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी वहाँ पे 1.5 ले लिए, है ना. कहने का मतलब है कि 100 वहाँ पे लोड आने वाला है लेकिन हम डिज़ाइन कर रहे हैं 150 के लिए. मीन्स कि हमारा
क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लेके चल रहे हैं, मतलब हमारा स्ट्रक्चर सेफ है अगर लोड बढ़ता भी है उस पर तो, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है, यहाँ पे जनरली दो चीज़ों में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चला जाता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट स्ट्रक्चर में भी होता है और स्टील स्ट्रक्चर में भी होता है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं लोड्स की, ठीक है, पहले हम लोड्स की बात कर लेते हैं, जो भी हम लोड ले रहे हैं उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी RCC कितना ही होता है, जितना हम रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर में लेते हैं, RCC मतलब रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर, ठीक है, RCC रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। अब देखो जो मटेरियल्स है हमारा XM1, यहाँ पे रप्चर या फेल्योर में जो हम लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25 लेते हैं, ओके। XMO है यील्डिंग या बकलिंग, इसमें हम लोग लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.10, ये आपको याद रखना है, रप्चर या फेल्योर में 1.25 और XMO क्या है यील्डिंग या बकलिंग में कितना 1.10, ये आपको याद रखना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग क्या क्या करना है। पहला है लोड कंसिडरेशंस। अब देखिए लोड कैलकुलेशन यहाँ करेंगे किस तरीके से करते हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको याद रखना है कि बिल्डिंग्स जो भी हमारा बना होता है उस पर बहुत टाइप्स के लोड आ रहे होते हैं, डेड लोड होते हैं, लाइव लोड होते हैं, उसके अलावा विंड लोड्स होते हैं, उसके अलावा सिस्मिक लोड्स यानी अर्थक्वेक लोड्स होते हैं, ठीक है। आपको मेनली ये समझना है क्योंकि जो भी बिल्डिंग्स होता है उसे बहुत टाइप्स के लोड आ रहे होते हैं, लेकिन एज ए इंजीनियर आपको क्या समझना है, आपको तो सभी जान रहे हैं कि लोड आ रहे होते हैं, लेकिन एज ए इंजीनियर आपको ये समझना है कि आपको डेड लोड का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं और उसके लिए कौन से कोड प्रेफर्ड किए जाते हैं, बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो पहले आप समझिए डेड लोड होता क्या है, क्योंकि हर चीज़ को मैं यहाँ पर लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ, है ना। डेड लोड मतलब होता है कि वैसा लोड जो कि क्या है, जो कि आपका परमानेंट है, जैसे कि आपका जो बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग का कॉलम्स है, बिल्डिंग का स्लैब है, बिल्डिंग का वॉल्स है, बिल्डिंग का फ्लोर्स है, ये सब क्या है, परमानेंट है। क्या आप इन कॉलम को शिफ्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं ना, क्या हम कभी छत को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, क्या नहीं ना, मतलब ये क्या है परमानेंट है छत का। इन सिंपल आप ये समझिए कि वैसे लोड्स जो भी कि परमानेंट है उसके कारण जो भी लोड्स आ रहे होते हैं उसे डेड लोड कहते हैं। तो डेड लोड का जो कैलकुलेशन होता है वो कहाँ से किया जाता है, तो आप ये समझिए डेड लोड का कैलकुलेशन होता है, ये कोड है हमारा SP6 और IS 875 Part 1, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, IS 875 Part 1 से हमारा डेड लोड का कैलकुलेशन होता है, ये कोड है, ठीक है, उससे ये कैलकुलेशन होता है। लाइव लोड मतलब होता है और वो सारे लोड्स जो कि क्या है सर्कुलेटरी है, जो कि सर्कुलेट होते हैं, जैसे कि हम लोग घर में रहते हैं, आज यहाँ पे हो सकता है कल दूसरे जगह पे चले जाएंगे, क्या हो सर्कुलेट हो रहे हैं, या फिर जो भी फर्नीचर आपके रूम में रखा हुआ है, जो भी सामान रखा हुआ है वो परमानेंट नहीं है, आज इस रूम में है कल उस रूम में जाएगा, मतलब क्या ये सर्कुलेट कर रहे हैं, हो सकता है कि आज कम फर्नीचर हो सकता है कल ज़्यादा हो जाए, या आज कम लोग आ रहे हैं वहाँ पे बिल्डिंग्स में कल ज़्यादा हो जाए, मतलब ये क्या है लाइव लोड्स है, मतलब ये क्या होता है सर्कुलेट होता है। इसके लिए डिज़ाइन कंसिडरेशन आपका लिया गया है IS 875 Part 2 से, ओके। अब देखिए यहाँ पे नोट एक लिखा हुआ है, लाइव लोड में कुछ रिडक्शन किया जाता है। देखिए IS कोड अलाउज रिडक्शन फॉर लाइव लोड इन स्टील स्ट्रक्चर्स, स्टील स्ट्रक्चर जितने भी सारे हैं उसमें लाइव लोड में जो रिडक्शन किया जाता है उसमें घटाया जाता है, और कितना किया जाता है ये आप हम यहाँ देख सकते हैं। मान लो कि ये फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है और यहाँ पे ये फिक्स है और ये ऊपर से वहाँ पे क्या है ABCDEF, ये क्या है उसका, ये फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर वाला लोड जो आप मान लो ये फर्स्ट है, ये फ्लोर नहीं कह रहे हम, सबसे टॉप वाला जो फ्लोर है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 और 10 है और ग्रेटर देन 10 है, ठीक है। अब रिडक्शन कितना करते हैं, परसेंटेज रिडक्शन ऑफ लाइव लोड ऑन ऑल फ्लोर्स एबव मेंबर्स, ठीक है, कितना करते हैं। अब देखो जो सबसे टॉप फ्लोर है, यहाँ पे जो ए वाला फ्लोर है, यहाँ पे जो रिडक्शन करते हैं हम लोग 0% करते हैं, ठीक है। मान लो कि लाइव लोड हम लोग ले लिए 3 kN/m², तो जो सबसे टॉप फ्लोर है यहाँ पे लोड का रिडक्शन करेंगे 0%, जितना है उतना ही रह जाएगा, 3 का 3 ही रह जाएगा, ओके। बी फ्लोर पे आएंगे, बी वाले पे, तो यहाँ पे हम लोग सब्सिक्वेंटली 10% का रिडक्शन करेंगे, किस में 3 में 10%, तो 3 का 10% कितना होता है 0.3, 3 का 10% 0.3, ठीक है। अब यहाँ पे 3 में से हमको क्या करना है 0.3 घटा देना, तो कितना हो जाएगा 2.7। फिर उसी तरीके से जब सी पे आएंगे तो यहाँ पे क्या करना है 20% रिडक्शन करना है, किस में 20%, 3 का 20% कितना हो जाएगा 0.6, ठीक है। अब आप 3 में से क्या करोगे 0.6 को घटाओ तो कितना आ जाएगा 2.4 हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग आएंगे जब यहाँ पे डी पे, तो 30% करेंगे, तो 30% कहने का मतलब है 3 का 30%, है ना, तो 3 का 30% कितना हो जाएगा 0.9, तो 3 में से 0.9 कितना हो जाएगा 2.1। उसी तरीके से हम आते हैं तो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेवल में हम लोग करते हैं 40% EF और G के लिए, मतलब D के बाद जितना भी नीचे जाएंगे EF और G है उसके लिए हम करेंगे कितना
40% किसका, 3 का 40%, यानी 4 की 12 1.2, 3 में से 1.2 चला गया कितना बच जाएगा 1.8, और ग्रेटर देन 10 है तो उसके लिए 50% हम यहाँ पे करते हैं रिडक्शंस। तो ये कैलकुलेशंस है, लाइव लोड का कैलकुलेशन है। ओके, कैसे हम रिडक्शन करते हैं ये चीज़ मैंने आपको बताया, और ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझना, ठीक है। जब तक आप समझेंगे नहीं इस रिले स्ट्रक्चर में तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपको याद रखना है सबसे टॉप लेवल पे 0%, मतलब जो भी हमारा लाइव लोड है उसमें से 0%, फिर नेक्स्ट पे आएंगे 10%, किसमें से 10%, जो हमारा लाइव लोड दिया गया, जैसे यहाँ पे 3 दिया हुआ था तो 3 में से 10% घटा है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग घटाते हुए नीचे की ओर मूव करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना है, लाइव लोड के लिए हमारा जो कोड है IS 875 Part 2 है, डेड लोड के लिए IS 875 Part 1 है। ये चीज़ आप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है विंड लोड्स है, विंड लोड भी, अब विंड लोड क्या होता है, पहले तो आपको पता चला डेड लोड क्या होता है, डेड लोड वैसा लोड्स जो कि क्या है परमानेंट है नेचर में, जैसे कि बीम का लोड है, कॉलम्स का लोड है, स्लैब का लोड्स है, एंड ऑल दैट, इन सारी चीज़ों का जो लोड है वो डेड लोड में आता है। लाइव लोड में जो भी सर्कुलेटरी लोड्स है, जैसे कि आपके बिल्डिंग्स में जो भी फर्नीचर्स हैं या जो भी सामान आप रख रहे हैं, या इसके अलावा जो भी पब्लिक प्लेसेस है जहाँ पे लोग आते रहते हैं या हम जाते हैं कहीं पे, उसको क्या, हम लोग लाइव है, सर्कुलेट कर रहे हैं, है ना, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। हो सकता है कि आज वहाँ पे कुछ लोग 20 लोग हैं, हो सकता है फ्यूचर में 200 लोग भी हो सकते हैं, है ना, मतलब एक लिमिट हो सकता है, 500 लोग भी हो सकते हैं, इस टाइप से हो सकता है। अगर मान लो कोई भी रेसिडेंस, ये कम्युनिटी बिल्डिंग्स है वहाँ पे और भी ज़्यादा हो सकते हैं, कोई भी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है वहाँ और भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। रेसिडेंशियल में मैं नहीं कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन इंडस्ट्रियल है या फिर जो भी आपका कम्युनिटी बिल्डिंग्स है, क्योंकि मेनली जो स्टील स्ट्रक्चर्स होता है वहाँ के लिए ही बनाया जाता है जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह ज़्यादा है। हम नहीं कह रहे कि रेसिडेंशियल नहीं बनाया जाता, रेसिडेंशियल भी बनाया जाता है, बट मोस्टली जो स्टील स्ट्रक्चर्स है इंडस्ट्रीज वगैरह में बनाया जाता है, या इंडस्ट्री के अलावा जो आपका कम्युनिटी बिल्डिंग्स है जहाँ पे सामुदायिक भवन होता है, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, उसके लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो वो सब कहलाता है आपका लाइव लोड, सर्कुलेटरी लोड्स जो भी है, ठीक है। अब विंड लोड्स में आते हैं, विंड लोड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देखो विंड लोड्स कहने का मतलब है कि जो भी आपका ये है विंड्स है, विंड के स्पीड्स के कारण भी हमारे स्ट्रक्चर्स पे लोड आ रहा होता है, उसे हम विंड लोड्स कहते हैं, ठीक है ना, सिंपली समझो हवा के कारण जो लोड आता है। इसका जो कैलकुलेशन है IS 875 Part 3 से किया जाता है। विंड लोड IS 875 Part 3 के अकॉर्डिंग 6 जोन में बांटा गया है, कितने जोन में, 6 जोन्स में, ओके। जोन पहला है, जोन दूसरा है, जोन तीसरा है, जोन चौथा है, जोन पांचवा है, जोन छठा है, ओके। अगर हम बात कर लेते हैं बेसिक विंड स्पीड की, तो जोन वन में जो बेसिक विंड स्पीड है 55 मीटर पर सेकेंड है, जोन टू में बेसिक विंड स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है, और जोन थर्ड में 47, एंड रिस्पेक्टिवली जोन फोर में 44, जोन फाइव में 39, जोन सिक्स में 39, एंड ऑल दैट। तो आप देख रहे हैं ना, जोन जैसे बढ़ रहा है वहाँ पे विंड स्पीड घट रहा है। अब स्टूडेंट्स इसका जरूरत कहाँ पे पड़ता है, क्योंकि जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा या जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं रियल लाइफ में, तो आपको बोला जाएगा कि ये जो बिल्डिंग है ये सिचुएटेड है जोन नंबर वन में, तो जोन वन बोला जाएगा, इसका मतलब है हम VB के वैल्यू वहाँ पे 55 मीटर पर सेकेंड लेंगे। क्वेश्चन में बोला जाएगा कि जो बिल्डिंग है सिचुएटेड है जोन सिक्स में, तो इसके लिए VB यानी डिजाइन विंड बेसिक विंड स्पीड जो लेंगे हम लोग कितना लेंगे, 39 मीटर पर सेकेंड लेंगे, ओके। और मोर डिटेल्स मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ओके। ये तो बेसिक विंड स्पीड हो गया, अब हम VZ यानी डिजाइन विंड स्पीड लेते हैं, ये कितना होता है, ये होता है K1, K2, K3 और इंटू VB, ठीक है। क्या होता है, K1, K2, K3 इंटू VB। अब K1, K2, K3 क्या होता है, ओके। सो K1 होता है प्रोबेबिलिटी या रिस्क फैक्टर, K1 क्या होता है, प्रोबेबिलिटी और रिस्क फैक्टर, और इसकी वैल्यू जो लेते हैं हम लोग 1.05 लेते हैं, फोर किसके लिए, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स क्या क्या आते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स, अगर हॉस्पिटल्स का अगर बिल्डिंग कोलैप्स होता है तो कितने ज़्यादा ह्यूज इकोनॉमी का लॉस है आप समझ सकते हैं, या फिर स्कूल्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा टीचर्स हैं, मतलब क्या है, यहाँ पे एक सामुदायिक भवन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ का लॉस बहुत ज़्यादा इकोनॉमी और बहुत ज़्यादा क्या होगा, हमारा यहाँ पे ह्यूमन लॉस कर जाएगा, है ना। इसलिए वैसे स्ट्रक्चर में खास करके हम लोग बहुत ज़्यादा सेफ्टी बरतते हैं, ठीक है। कम्युनिटी बिल्डिंग, सामुदायिक भवन, मान लो कि कहीं कम्युनिटी बिल्डिंग से जहाँ बहुत वो लोग क्या होते हैं इकट्ठा होते हैं वहाँ पे, पावर प्लांट्स जहाँ पे पावर जनरेशन होता है, अगर वो स्ट्रक्चर फेल्ड हो जाए तो कितना ज़्यादा लॉस हो सकता है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, K1 क्या है, प्रोबेबिलिटी या रिस्क फैक्टर, जो कि 1.05 लेते हैं। K2 जो होता है वो होता है टेरेरियन हाइट या स्ट्रक्चर साइज फैक्टर, ये किस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रक्चर के साइज पे उसका कितना हाइट है उस पे डिपेंड करेगा, ओके। एंड K3 ट्रोपोग्राफी फैक्टर्स, मींस कि आपका जो स्ट्रक्चर है किस टाइप के ट्रोपोग्राफी में प्रेजेंट है, मींस वो हिली टेरेरियन है या वैली है या फिर नॉर्मल प्लेन्स है, उस पे डिपेंड करेगा। इसकी वैल्यूज जो है हम लोग IS कोड से निकालेंगे, IS 875 Part 3 से, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ डिटेल्स में बताया जाएगा, ओके ओके स्टूडेंट्स। मुझे लगता है कि विंड स्पीड के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। सो विंड लोड भी एक टाइप का लोड है जो बिल्डिंग पे आ रहा होता है,
और ये जो होता है IS 875 पार्ट 3 से इसका कैलकुलेशन करते हैं। इसके हिसाब से 6 जोन में बांटा गया है और इसके लिए बेसिक विंड स्पीड दिए गए हैं टेबल्स में, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और डिज़ाइन विंड स्पीड होता है K1 K2 K3 इंटू VB, जहाँ पे VB क्या है, VB है बेसिक विंड स्पीड, VB क्या है बेसिक विंड स्पीड, जो कि यहाँ से हम लोग लेंगे, और K1 K2 K3 की वैल्यू जो है हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे लेंगे। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा विंड स्पीड के बारे में, ठीक है। तो विंड स्पीड अगर समझ में आ गया है तो मैं आपको थोड़ा और आगे ले चलता हूँ। नेक्स्ट देखिए डिज़ाइन विंड प्रेशर ये क्या होता है। नेक्स्ट डिज़ाइन विंड प्रेशर है, ये देखिए डिज़ाइन विंड प्रेशर होता है 0.6 VZ स्क्वायर, ओके। यहाँ इसको हम लोग PZ से डिनोट करते हैं, ठीक है। VZ क्या है, डिज़ाइन विंड स्पीड है, ओके। डिज़ाइन विंड फोर्स की अगर बात कर लेते हैं तो ये होता है CF इंटू AA इंटू PZ। CF क्या है यहाँ पे, फोर्स कोफिशियंट ऑफ स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। CF मीन्स वॉट, फोर्स कोफिशियंट ऑफ स्ट्रक्चर। AA मीन्स वॉट, इफेक्टिव फ्रंटल एरिया। A means what? Effective frontal area and PZ means what? Design wind pressure, जैसे कि यहाँ पे हम लोग निकाला है। और PZ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.6 VZ square, और VZ मतलब क्या, Design wind speeds, ओके। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा आपका। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई अभी विंड फोर्स के कैलकुलेशन के अंदर में, ओके। सो चलिए अब आगे मूव कर लेते हैं हम लोग। अगला जो इंपॉर्टेंट लोड्स आता है स्ट्रक्चर्स में वो होता है अर्थक्वेक लोड्स, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है ये, क्योंकि जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है, हो सकता है कि अर्थक्वेक प्रोन जोन में बन रहा हो, या फिर अगर क्योंकि हमारे जो जोन्स है बहुत सारे इंडिया को कैटेगराइज किया गया है अर्थक्वेक के हिसाब से, ठीक है। तो उस टाइप के अगर जोन में बिल्डिंग्स बन रहा है तो वहाँ पे अर्थक्वेक लोड को भी कंसिडर किया जाता है, ओके। या जो नॉर्मल घर भी बन रहा है, बिल्डिंग्स जो भी स्ट्रक्चर्स है, उसमें भी हम लोग जनरली अर्थक्वेक लोड्स को कंसिडर करते हैं। नहीं बोलते कि यार ये भूकंपरोधी मकान है, न्यूज़ में सुने हो कहीं भी यहाँ पे भूकंपरोधी मकान बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है, नहीं बोलते कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे अर्थक्वेक लोड को भी क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। ऐसा थोड़ी है कि जब हम बिल्डिंग बना लिए तब हम बोलेंगे कि नहीं यार भूकंप आ रहा है अब इस घर को तोड़ करके नया घर बनाया जाए, ऐसा नहीं होता है ना। मीन्स हम जो भी डिज़ाइन करते हैं बिफोर करते हैं, है ना, मतलब पहले से हम कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे अर्थक्वेक जोन है, यहाँ पे हम बिल्डिंग बना रहे हैं, तो इस लोड को भी हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये चीज़ समझना पड़ेगा आपको, है ना। सो अर्थक्वेक लोड्स, अब देखिए मैं बताता हूँ अर्थक्वेक लोड्स क्या होता है। अर्थक्वेक यानी भूकंप के कारण जो भी लोड्स आ रहा होता है स्ट्रक्चर्स में, ये क्या होता है, रिवर्सल लोड होता है। मान लो कि कोई भी स्ट्रक्चर है उसका लोड क्या होता है, कॉम्प्रेसिव नीचे की ओर आ रहा होता है, बट कोई भी बिल्डिंग्स होता है, कोई भी बिल्डिंग्स है, अब जमीन के नीचे यहाँ पे क्या होता है कि भूकंप का जो वेव होता है इस टाइप से जनरेट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि भूकंप के कारण वहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर्स होता है उसमें स्ट्रक्चर में क्या होता है, रिवर्सल लोड हो जाता है, लोड्स नीचे से ऊपर की ओर लगने लगता है, और यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा चांस होता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, ओवरटर्न हो जाता है, स्ट्रक्चर के फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर हम इस लोड को कंसिडर नहीं करते हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर है अर्थक्वेक के कारण क्या होता है, कोलैप्स हो सकता है। बट जो भी ब्रिजेस है, जो भी स्ट्रक्चर्स है, रेलवे ब्रिजेस हो या फिर जो और भी ब्रिजेस होते हैं, हाईवे ब्रिजेस या जो भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स है, स्टील स्ट्रक्चर्स, उस सारे चीज़ों में हम लोग कंसिडर करते हैं अर्थक्वेक लोड्स को। इवन कि हम लोग रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में भी इसको कंसिडर करते हैं, यानी जो भी कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है उसको भी, उसमें भी हम इस लोड को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, ओके। सो चलिए अर्थक्वेक लोड्स को मैं आपको एक बार बता दूं, अर्थक्वेक लोड्स होता क्या है। अर्थक्वेक लोड्स तो आपको समझ में आ गया, अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखिए ये जो हमारा कोड है जो कंफर्म करता है डिज़ाइन को IS 893 एंड IS 13920 डिटेलिंग्स, ठीक है। लोड डिज़ाइन के लिए IS 1893, मतलब जो लोड का डिज़ाइन का कंसिडरेशन करेंगे 1893 के अकॉर्डिंग, इंडियन स्टैंडर्ड 1893, ओके। IS फॉर इंडियन स्टैंडर्ड 1893 कोड का नाम है, ओके। एंड जो डिटेलिंग्स दिया गया है अर्थक्वेक लोड्स का, उसका है 1390, IS 1390। इसके अकॉर्डिंग अर्थक्वेक लोड यानी इस जो कोड है IS 1893 और 13920, इसके अकॉर्डिंग अर्थक्वेक जोन को 4 जोन में बांटा गया है। कितने जोन में, 4 जोन में, जोन सेकेंड, जोन थर्ड, जोन फोर एंड जोन फाइव। आप पूछेंगे कि जोन वन कहाँ गया सर, तो जोन वन को जो है करेंटली उसको रिमूव कर दिया गया है, जोन वन को अर्थक्वेक जोन से हटा दिया गया है, ओके। अब वहाँ पे जोन फैक्टर कितना लेते हैं, देखो यहाँ पे जोन फैक्टर को जेड से डिनोट करते हैं। डिफरेंट जोन के लिए हम लोग जोन फैक्टर अलग अलग लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे जोन टू के लिए 0.10 है, जोन थर्ड के लिए 0.16 है, जोन फोर के लिए 0.24 है, जोन फाइव के लिए 0.36 है। सो ये जोन फैक्टर है।
अब देखिए इंटेंसिटी, जोन टू में जो इंटेंसिटी है वो लो है, कम है, जोन थ्री में मॉडरेट है मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा, लो से ज़्यादा है, जोन फोर में सीवियर है, सीवियर मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और वेरी सीवियर मतलब बहुत ही कैटास्ट्रोफिक, मतलब जोन फाइव जो है बहुत ही कैटास्ट्रोफिक जोन है, वहाँ पे अर्थक्वेक जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमन एंड इकोनॉमिक को लॉस कर सकता है, ठीक है, वैसे जोन से, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको जोन और इंटेंसिटी अर्थक्वेक जोन के हिसाब से मैंने आपको बताया, आपको समझ में आ गया होगा, ओके। सो कहीं भी आपको दिक्कत आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वहां से आपको बिल्कुल इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, एंड जो भी डाउट्स है इसको हम लोग डाउट क्लियरिंग क्लास में इसका क्लियर कर लेंगे, जो भी कमेंट्स आप यहां पे भी कमेंट कर सकते हैं, ओके। सो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है अर्थक्वेक लोड के कंसीडर में, आपको मैं बता देता हूं। जैसे कि डिजाइन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन स्पेक्ट्रम होता है, इसको हम लोग एज से डिनोट करते हैं, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, एज से, डिजाइन एक्सेलरेशन स्पेक्ट्रम एज, ये होता है जेड बाई टू एस ए बाई जी इंटू आई बाई आर, याद रखिएगा जेड बाई टू इंटू एस ए बाई जी इंटू आई बाई आर, जहाँ पे आई क्या है, सारे के टर्म को समझना है, जहाँ पे आई है इंपॉर्टेंस फैक्टर, जैसे कि मैंने बताया था विंड लोड के कंसिडरेशन में वहाँ पे कुछ और लिया जाता था, यहाँ पे 1.5 है फॉर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, हॉस्पिटल्स है, कम्युनिटी बिल्डिंग्स है, पावर प्लांट्स है, देखो ना पावर प्लांट में ज़्यादा जो भी स्ट्रक्चर्स होता है टावर्स है, जो भी चीज़ें बनी होती हैं स्टील से ही बनी होती हैं, तो उन सारी चीज़ वो क्या होता है हमारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होता है, उसका क्लैप्स उसका फेलियर बहुत ज़्यादा ह्यूज इकोनॉमी को लॉस कर सकता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमंस को लॉस कर सकता है, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है। आर की हम बात कर लेते हैं, आर है रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, आर क्या है, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, ओके। एस ए बाई जी की बात कर लेते हैं, तो ये होता है रिस्पॉन्स एक्सेलरेशन कोफिशियंट डिपेंड्स ऑन नेचुरल फंडामेंटल पीरियड्स, ठीक है, एस ए बाई जी क्या है, रिस्पॉन्स एक्सेलरेशन कोफिशियंट डिपेंड्स ऑन नेचुरल फंडामेंटल पीरियड। अभी मैं आपको जो टर्म बता रहा हूँ और जो कंडीशंस बता रहा हूँ उतना याद रखो, फिर जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो आपका ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा, ओके। सो डिजाइन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन स्पेक्ट्रम इज इक्वल टू व्हाट, जेड ए बाई टू इंटू एस ए बाई जी इंटू आई बाई आर, जहाँ पे आई इंपॉर्टेंस फैक्टर है, आर रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर है, और एस ए बाई जी रिस्पॉन्स एक्सेलरेशन कोफिशियंट डिपेंड्स ऑन नेचुरल फंडामेंटल पीरियड्स, ओके। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा आपका, है ना। स्टूडेंट्स स्टील स्ट्रक्चर को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको सही मायने में स्टील पढ़ना है तो, है ना, सही मायने में अगर आपको जानकारी चाहिए बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में और सारे लोड कैलकुलेशंस के बारे में और कोड्स के बारे में, तो आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, और आपको जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ, जो कोड्स बता रहा हूँ, उस कोड का एटलीस्ट पहले आप लोग नाम जरूर याद रखिएगा कि वो कोड कितना नंबर है और किस चीज़ को कन्फर्म करता है, ताकि जब आप देखो कभी कि सर आई एस 875 पार्ट वन दिया जा रहा है हमको, इसे लाइव लोड कैलकुलेशन करो, पार्ट टू दिया जा रहा है, सॉरी लाइव लोड के लिए पार्ट वन, आई एस 875 पार्ट वन डेड लोड के लिए, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर आई एस 875 किस चीज़ का नाम है, आपको पता होना चाहिए पहले से, ओके। सो ये चीज़ें हैं, सो ये लास्ट स्लाइड है स्टूडेंट्स, ठीक है, एक्चुअली ये लास्ट स्लाइड होगा इसके बाद, तो ये देखिए इसमें हम लोग क्या है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे टी ए है, ये जो होता है 0.075 h टू द पावर 0.75 लेते हैं, ठीक है, अभी मैं बताऊँगा ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ये देखिए यहाँ पे जो होता है ये आरसीसी के लिए लिया जाता है, किसके लिए, रिफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के लिए, और टी ए की बात करूँ मैं स्टील स्ट्रक्चर के लिए तो होता है 0.085 h टू द पावर 0.75, ये क्या होता है स्टील के लिए, और एम आर एफ मतलब होता है मोमेंट रेजिस्टेंट फ्रेम, ठीक है, मोमेंट रेजिस्टेंट फ्रेम बिल्डिंग विदाउट ब्रिक इनफिल, ठीक है, मतलब जहां पे ब्रिक नहीं है, ब्रिक इनफिल है, विदाउट ब्रिक इनफिल, ओके। और इसको हम लोग लेते हैं ये इस कल टू होता है 0.09h डिवाइडेड बाय अंडर रूट डी, ओके, और ये होता है ऑल अदर बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग एमआरएफ मोमेंट रेजिस्टेंट फ्रेम बिल्डिंग्स विथ ब्रिक इनफिल, ब्रिक इनफिल के साथ में, और ये ऊपर में जो था ब्रिक इनफिल के विदाउट था, विदाउट ब्रिक इनफिल था, ठीक है, और ये था ब्रिक इनफिल के साथ में, ठीक है, जहां पे एच क्या है हाइट ऑफ बिल्डिंग्स है जो भी बिल्डिंग आप बना रहे हैं, डी क्या है बेस डायमेंशन ऑफ बिल्डिंग्स जो आप बिल्डिंग बना रहे हैं उसका बेस डायमेंशन, ओके, एम आर एफ है मोमेंट रेजिस्टेंट फ्रेम, एम आर एफ क्या है मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, एम आर एफ क्या है मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, ओके। एंड यहाँ पे देखिए
डिजाइन बेस शेयर VS, ये कितना होता है AH इंटू W होता है, जहाँ पे W जो है सिस्मिक वेट ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है, जो भी ये बिल्डिंग बना रहे हैं उसका टोटल का क्या है सिस्मिक वेट, और समेशन ऑफ क्या होगा W इंटू I, मतलब जितने फ्लोर्स हैं उसका पूरे का समेशन वेट का, ठीक है, और ये होता है AH इंटू W। अभी आप लोग टर्मिनोलॉजीज को समझते चलिए और ज़्यादा डिटेल्स जो है आप क्वेश्चन के वक्त क्लियर हो पाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो नाम नहीं सुने पहले से, पहले उन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट है और इसमें काफ़ी बेसिक्स चीज़ें दी हुई हैं और बेसिक्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ओके। जो चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड है बेस शियर। क्या है बेस शियर? VS इज इक्वल टू AH इनटू W, ओके। W क्या है? सिस्मिक वेट ऑफ बिल्डिंग, इसको समेशन ऑफ W इनटू I करेंगे, ओके। और यहाँ पे क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेस शियर QI, इसको डिनोट करते हैं QI से। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है VB यानी बेस शियर इंटू डब्ल्यू आई इंटू एच आई स्क्वायर डिवाइड बाई डब्ल्यू आई इंटू एच आई स्क्वायर का समेशन, ठीक है, ये होता है। डब्ल्यू आई जहाँ पे क्या है? सिस्मिक वेट ऑफ आईथ फ्लोर, मतलब जिस फ्लोर को हम कंसिडर कर रहे हैं उसका सिस्मिक वेट। एच आई क्या होता है? हाइट ऑफ आईथ फ्लोर, मतलब जिस फ्लोर को हम कंसिडर कर रहे हैं उसका फ्लोर का हाइट फ्रॉम कहाँ से? ग्राउंड से, ओके। सो नेक्स्ट है, कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है, इन डिटरमाइनिंग सिस्मिक वेट ऑफ फॉलोइंग रिडक्शन इन लाइव लोड इज अलाउड। अब हम जब सिस्मिक वेट को कैलकुलेट करते हैं तो कुछ रिडक्शन किया जाता है, जैसे कि हम विंड लोड्स में जब वो कैलकुलेशन कर रहे थे तो लाइव लोड में क्या करते थे हम लोग? रिडक्शन करते थे। उसी तरीके से यहाँ भी रिडक्शन है। कैसे रिडक्शन होता है? फॉर लाइव लोड अप टू 3 kN/m², 3 kN/m² तक जब लाइव लोड है उसमें रिडक्शन करते हैं हम लाइव लोड में 75%, यानी कंसिडर कितना करते हैं? 25%, ओके। अगर लाइव लोड ग्रेटर देन 3 kN/m² है, लाइव लोड का वैल्यू 3 kN/m² से ज़्यादा है तो रिडक्शन करेंगे 50%, यानी बचेगा कितना उसमें से? 50%। तो 50% क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे, यानी टोटल मिलाकर के हमें 100 होना चाहिए, ओके। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जो कि यूनिट नंबर 1 का था, एंड हम जितना इंपॉर्टेंट कहें उतना ही कम होगा ये, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाला जो भी चैप्टर है उसका रोड मैप और उसका जो बेसिक्स है यहीं से स्टार्ट होता है और तभी आप आगे के चैप्टर्स को समझ पाएंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने आज कवर किया जो भी मेथड्स ऑफ डिज़ाइन है स्टील स्ट्रक्चर्स के, एंड उसके अलावा हम लोगों ने आज कवर किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड विच अकर्ड ऑन स्टील स्ट्रक्चर्स एंड कोडल प्रोविजन एसोसिएटेड विथ कैलकुलेशन ऑफ लोड्स सच एज डेड लोड, लाइव लोड्स, विंड लोड्स एंड अर्थक्वेक लोड्स। जब भी आप इस टाइप्स के लोड्स को देखें तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लिक होना चाहिए कि सर ने बताया था डेड लोड होता है वैसे लोड्स जो कि परमानेंट होते हैं नेचर्स में, जैसे कि जो हमारा बिल्डिंग्स है उसमें जो भी कॉलम्स है उसके कारण लोड आता है वो क्या है? परमानेंट है। बीम्स परमानेंट है, स्लैब परमानेंट है एंड ऑल दैट, ये सारे चीज़ों के कारण जो लोड्स आता है वो डेड लोड होता है। वैसे सारे लोड्स जो लाइव होते हैं, जो उसकी सर्कुलेटरी होते हैं, जैसे कि जो भी आपका फर्नीचर्स है घरों में रखा हुआ, जो भी सामान है या जो भी पीपल्स आ रहे हैं जा रहे हैं, वो सब क्या है? लाइव लोड्स के अंदर में आते हैं। और एक आता है विंड लोड्स। विंड लोड्स में जो भी हम स्पीड होता है हवा की स्पीड्स के कारण जो भी लोड्स बिल्डिंग में आ रहा होता है वो विंड लोड्स कहलाता है, और उसके अकॉर्डिंग 6 जोन में बांटा गया है। और विंड लोड्स का जो भी कोडल प्रोविजन है मैंने आपको बताया पहले। उसके अलावा जो है सिस्मिक लोड्स आ रहे होते हैं, यानी कि अर्थक्वेक के कारण, भूकंप के कारण लोड्स आ रहे होते हैं, जो कि भूकंप प्रोन जोन में यानी अर्थक्वेक प्रोन जोन में अगर बिल्डिंग्स बना हुआ है तो उसके लिए भी हम लोडिंग को कंसिडरेशन करते हैं। और विंड लोड और अर्थक्वेक लोड को बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है वैसे जोन्स में जहाँ पे विंड स्पीड ज़्यादा है और अर्थक्वेक का खतरा बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे इस चीज़ को कंसिडर किया जाता है। एज ए नॉर्मल बिल्डिंग्स में भी हम इसलिए कंसिडर करते हैं, इसको कंसिडर करके डिज़ाइन करते हैं। सो थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस। सो दिस इज इट पार्ट ऑफ माई वीडियो लेक्चर। सो थैंक यू एवरी वन, गॉड ब्लेस यू ऑल।